हेलो गाइस, अगर इन साल आप परीक्षा देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल, क्योंकि इस वीडियो में जो बताया हुआ क्वेश्चन 100% आता ही है। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। अगले साल के एग्जाम में एक वीडियो बनाया था जिसमें से हमारा 50% क्वेश्चन लड़ा था, तो इन साल भी मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा के पूरा ही लड़ेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ देर ना करते हुए। तो आप स्क्रिप्ट मत कीजिए और वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण, डी में है एक पतला लेंस। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपको क्वेश्चन पहले समझना होगा कि मोटर गाड़ी यानी जो बस मोटरसाइकिल ये होता है उसके साइड यानी इस तरह से साइड में लगा रहता है पीछे की गाड़ी देखने के लिए, तो वो जो दर्पण लगा होता है वो कौन दर्पण है? समतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि एक पतला लेंस है? तो ये बताना है। तो इसमें से बताइए कौन सही होगा। जौन सही होगा उस पर आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दीजिए। तो देखिए हम बताते हैं, इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो गाड़ी के दर्पण साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है वो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ऑप्शन ए में है वी आर, बी में है वी स्क्वायर आर, सी में है वी बाई आर, डी में है वी स्क्वायर बाई आर। इसमें से सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो उसका सूत्र क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। तो ये याद रखना होगा आपको। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए में है विद्युत धारा का, बी में है समय का, सी में है विद्युत ऊर्जा का, डी में है विद्युत शक्ति का। तो बताइए किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका सही आंसर हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का। चौथा क्वेश्चन कह रहा है स्विच लगाए जाते हैं, स्विच किस तार में लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है ठंडे तार में, बी में है गर्म तार में, सी में है अर्थ तार में, डी में है कभी ठंडे तार में तो कभी अर्थ तार में। तो बताइए इसमें से सही कौन होगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा गर्म तार में। कभी भी हमें स्विच लगानी चाहिए तो गर्म तार में लगानी चाहिए, ठंडे तार में नहीं लगानी चाहिए, इससे शॉर्ट सर्किट होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो हमें कभी भी स्विच गर्म तार में ही लगानी चाहिए। इस वीडियो का पाँचवा क्वेश्चन, अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए में है डाल्टन, बी में है डोब्रेनर, सी में है मेंडलीव, डी में है न्यूलैंड। तो बताइए इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स। अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन किए थे? न्यूलैंड्स ने। आपको याद रखना होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में। ऑप्शन ए में कह रहा है ओएच माइनस बढ़ाता है, बी में कह रहा है एच प्लस बढ़ाता है, सी में कह रहा है लवण बनाता है, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एच प्लस आयन को बढ़ाता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर। ऑप्शन ए में कह रहा है सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, बी में कह रहा है सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनता है, सी में कह रहा है क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है, डी में कह रहा है सहसंयोजक यौगिक बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सोडियम परमाणु है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बन जाता है। आपको याद रखना होगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती हैं। ऑप्शन ए में है CO2, बी में है O2, सी में है पायरुवेट, डी में है नाइट्रोजन। बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, निःश्वास। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस छोड़ते वक्त कौन सा गैस निकलती है? तो CO2 वायु निकलती है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए में है माल्टेज, बी में है इरेप्सिन, सी में है इमाइलेज, डी में है लाइपेज। तो बताइए इसमें से कौन सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, इमाइलेज जो है लार में पाए जाने वाला एक एंजाइम है। तो आपको याद रखना होगा। दसवां क्वेश्चन कह रहा है समजात अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए में कह रहा है हमारा हाथ एवं कुत्ते का अग्रपाद, बी में कह रहा है हमारे दांत एवं हाथी का दांत, सी में कह रहा है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, डी में कह रहा है उपयुक्त में से सभी। तो बताइए इसका सही आंसर कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, हमारा हाथ एवं कुत्ते का अग्रपाद है यानी अगला पैर जो समजात अंगों का उदाहरण है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार यानी उपयोग किया जाता है वह है। ऑप्शन ए में है तांबा, बी में है टंगस्टन, सी में है नाइक्रोम, डी में है जस्ता। तो बताइए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। इसका जवाब हम कल देंगे। देखते हैं आप लोगों में से कितने विद्यार्थी हैं जो इसका सही सही जवाब दे पाते हैं। चलिए इतना ही आज के लिए, और अगले वीडियो में इसके बाद क्रैश कोर्स वाली कोर्स अगले वीडियो में बताई जाएगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।